आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। मीरापुर सीट पर उपचुनाव में चुनाव प्रसार करेंगे। मोरना इंटर कॉलेज में सीएम योगी की जनसभा है, जिसमें आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में ये रैली की जा रही है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से। शाहिद, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, क्या कुछ विशेष होने वाला है? देखिए, 8 तारीख से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के पश्चिमी दौरे पे हैं, जिसमें गाजियाबाद और मीरापुर और तमाम सीटों पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में उपचुनाव जो 9 सीटों पे हो उसकी कमान आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। मीरापुर सीट पे उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। मोरना इंटर कॉलेज में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर रहे हैं। इनके साथ और कौन से बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी दौरे पे हैं। पश्चिमी दौरे पे जो सीट है वो राष्ट्रीय लोक दल की सीट खाली हुई थी, जहां पे बीजेपी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल है। उनके साथ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और मंत्री अनिल कुमार, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। लगातार उनका दौरा उपचुनाव की सीटों में रहेगा। आज पश्चिमी विधानसभा की सीटों पे है, जहां पे गाजियाबाद है और मीरापुर की कुंडती सीट है और आरएलडी की एक जो सीट खाली हुई थी उस पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा जब होती है तो उससे पहले जो आला अधिकारी होते हैं तो लगातार गश्त करते हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को भी धमकियां भरा मैसेज मुंबई से आया था, जिसको देखते उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और झारखंड हो, महाराष्ट्र हो और मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। उससे पहले प्रभारी मंत्री और तमाम मंत्री भी सुरक्षा का जायजा लेते हैं। जी शाहिद, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।